नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो बेस्ट स्टॉक बताऊंगा जिनमें आपको कल यानी वेडनेसडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो में आप बने रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल का आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे हर वीडियो आपको समय से मिलते रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश के लेवल होते हैं, कोई फ्यूचर का लेवल नहीं होता। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूं। मेरे इनमें आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है, तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए जो दो स्टॉक सेलेक्ट किए थे अपनी लास्ट वीडियो में, उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिली। दोस्तों, मैंने आपके लिए जो पहला स्टॉक सेलेक्ट किया था वो था ACC का। देखिए, ACC को मैंने आपको बताया था अगर ये 1005 के ऊपर जाएगा तो इसको हम बाई करेंगे। स्टॉक गैप ओपन हुआ, इसने ओपन किया 1014 पर, इसने हमारे फर्स्ट टारगेट के पास ओपन किया। हालांकि स्टॉक उससे भी 15 पॉइंट और ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर हमारी कॉल एक्टिवेट नहीं हुई क्योंकि स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था। अब अगर बात करें सेल साइड की, मैंने आपको सेल दिया था 990 के नीचे, तो यहाँ पर सेकंड कैंडल में इसमें हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई और इसने उसी कैंडल में लो लगाया 980 का। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टारगेट हमारा जो था वो हिट हो गया। आगे जाकर इस स्टॉक में और बड़ी गिरावट देखने के लिए इसने लो लगाया 943 का। इसने हमारा जो तीसरा और अंतिम टारगेट था 9460 का, तीनों ही टारगेट हिट हो गए, उससे भी स्टॉक 20 से 22 पॉइंट और भी अधिक नीचे गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ACC में एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला होगा, या अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको निश्चित ही इसमें एक काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिले होंगे। चलिए देखते हैं जो दूसरा स्टॉक था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था LT का, देखिए LT मैंने आपको बताया था अगर 732 के ऊपर जाएगा तो उसको हम बाय करेंगे। ये स्टॉक भी गैप अप ओपन हुआ, इसने ओपन किया 755 पर, तो यहाँ पर हमारी बाई को एक्टिवेट नहीं हुई। अगर बात करें सेल साइड की, मैंने आपको सेल दिया था 718 के नीचे, तो इसी कैंडल में यहाँ पर हमारी सेल को एक्टिवेट हुई और इसने लो लगाया 706 का। काफ़ी तगड़ी मूवमेंट रही इस कैंडल में, पहली कैंडल में काफ़ी बड़ा मूवमेंट था इसमें। इसमें हमारा जो सेकंड टारगेट था 702 का, अंतिम टारगेट था 694 का, इसने यहाँ पर लो लगाया आप देख सकते हैं 672 का। हमारे तीनों टारगेट हिट हो गए, उससे भी स्टॉक 20 पॉइंट और नीचे गया। तो आशा करता हूँ आपको LT में भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अब चलिए देखते हैं जो दो स्टॉक हमारे हैं कल के लिए वो कौन से हैं। दोस्तों, वेडनेसडे के लिए हमारा पहला स्टॉक है स्कॉट का। देखिए, स्कॉट ने बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ, अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है अपसाइड में तो उसको हम बाय करेंगे 640 के ऊपर। स्टॉप लॉस स्ट्राइक हमारा 633 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 646, सेकंड टारगेट 652, अंतिम टारगेट रहेगा 658 का। अगर इसका नीचे के साइड में निकलता है, अपने फ्लैग पैटर्न को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो उसको हम सेल करेंगे 629 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 636 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 623, सेकंड टारगेट 617, अंतिम टारगेट रहेगा 611 का। दोस्तों, अगर आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड होना, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे की कॉल्स मिलते हैं, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। यहाँ पर आपको आप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप दोनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन कर लिए तो आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपको पहले से एंजल ब्रोकिंग में आप स्टॉक में अकाउंट ओपन है तो कृपया मुझे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैसेज ना करें। मैं आपको तभी ग्रुप में ऐड करूँगा जब आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। हमारा आज का अंतिम स्टॉक है रायमंड का। देखिए, रायमंड ने एक डाउन फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है, इस रेंज से बाहर निकलता है तो इसको हम बाई करेंगे। अगर अपसाइड में निकलेगा तो 226 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 223 का। हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 229, सेकंड टारगेट 232, अंतिम टारगेट रहेगा 235 का। अगर रायमंड नीचे निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे 221 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 224 का। हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 218, सेकंड टारगेट 215, अंतिम टारगेट रहेगा 212 का। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कोई छोटी सी वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इस वीडियो से काफ़ी फायदा हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।